हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AVPS क्लासेस में। आज आप सभी को हम यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं, तो आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें ताकि आपको आज के यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी छोटी या बड़ी अपडेट हो तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। और अगर आपको टेट सीटेट और शिक्षक भर्ती से जुड़ी डेली की अपडेट पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स व कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, आप डायरेक्ट लिंक को टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट मिल सके। आप सभी जानते हैं कि लगातार 5 सालों से लाखों युवाओं के द्वारा शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है और आप सभी युवाओं के लिए ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आपको हम बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी खुशखबरी है जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों में भरने होंगे शिक्षकों के खाली पद। देखिए, आप लोग पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे थे और आप लोग को न्यूज़ भी देखने को मिल रहा था कि शिक्षकों के इतने पद यूपी में खाली हैं या फिर इतने पद शिक्षकों के भरे जाएंगे, लेकिन आप लोगों को अभी तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली। तो इसी के तहत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो देश भर में लागू हो चुकी है और इसी नीति के तहत पूरे राज्यों में जितने भी शिक्षकों के खाली पद हैं सभी को भरना आवश्यक है, ये शिक्षा मंत्रालय का आदेश है। तो क्या है पूरी नीति, आपको हम डिटेल में बता देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में जुटे राज्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों की भर्ती भी करनी होगी। योजना की शुरुआत में ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। तो जो ये लक्ष्य है आपका कि देश भर के सभी राज्यों के जो शिक्षकों के खाली पद हैं उनको भरने का, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आदेश दिया गया है। तो इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश अधिकारियों के द्वारा कर दी गई है। हालांकि राज्यों के लिए यह एक कठिन लक्ष्य है, इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों के खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्दी भरा जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो शिक्षक के खाली पद हैं उनको समयबद्ध तरीके से जल्दी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश आया हुआ है कि जल्दी से जल्दी इसको भरने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नजर लगाए हुए है। तो जो देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसको तेजी से आगे बढ़ाने में शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से जुट गया है, इस पर पूरी नजरें लगाए हुए है। और यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, फिलहाल राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया है। तो यहाँ पे जो राज्य है, हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो पिछली हमारी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो थी उसमें हम आपको बताए थे कि जो शिक्षक भर्ती हैं जो उसमें कितने खाली पद हैं, रिक्त पदों की संख्या जितनी है उसका ब्यौरा शासन को सौंप दिया गया है। तो ये हमने आपको पिछले भी वीडियो में बता दिया था। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने से सभी राज्यों को ये आदेश मिला है। तो ये तो बात हो गई यूपी में शिक्षकों के खाली पद को भरने के विषय में। तो ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, वहां से आपको सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।